अपडेट निकल चुकी है और अपडेट अच्छी नहीं है दोस्तों। ऐसा लग रहा है भारत के खजाने को किसी की नजर लग गई है। लगातार खजाने में एक के बाद एक गिरावट दर्ज की जा रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि लगातार 5 हफ्ते से हमारा खजाना गिरते पर गिरता जा रहा है। अगर यही हालात हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बने रहते हैं तो हमारे लिए, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जहां से बढ़ाना शुरू किया था वहीं पर हम वापस पहुंच रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बन गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हमारे खजाने की क्या सिचुएशन मौजूदा हालातों में है और किन कारणों से ये गिरावट आ रही है और आने वाले समय में भारत को किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ सकता है। दोस्तों आपने सुना होगा नेपाल का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है, श्रीलंका का गिर रहा है, इसी के साथ पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है, लेकिन भारत भी कोई अलग नहीं है, भारत का भी खजाना गिर रहा है। लगातार 5वें हफ्ते में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.47 बिलियन डॉलर गिरकर 604 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले 5 हफ्तों के अंदर ही भारत का रिजर्व 28.5 बिलियन डॉलर तक गिर चुका है। दोस्तों एक समय था भारत का रिजर्व इतना था कि भारत अगर दुनिया के देशों से हमारे लिए डॉलर नहीं आता है तो 17.4 महीने तक हम अपने देश का गुजारा कर सकते थे। ये आंकड़ा था 31 मार्च 2021 का, जब हमारे देश के रिजर्व इतने बढ़ गए थे कि 17.4 महीने तक हम दुनिया के अलग अलग देशों से चीजों को इंपोर्ट कर सकते थे। लेकिन वो साल गुजर गया है और एक साल के बाद अब सिचुएशन ये हो गई है कि हमारे देश के पास इतने रिजर्व हैं कि देश का सिर्फ एक साल तक गुजारा हो सकता है। यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसी के साथ हमारे रिजर्व इतने घट गए हैं कि 7.4 महीने तक जो देश गुजारा कर सकता था वो हालात अब नहीं बचे हैं। अब दोस्तों ये किन कारणों से भारत का रिजर्व घटता जा रहा है और ये सिचुएशन क्यों आई है? दोस्तों रशिया और यूक्रेन की जंग के कारण आज दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता जा रहा है। ज्यादातर वो देश जो दुनिया से तेल खरीदते हैं, तेल ने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें सातवें आसमान में है। दुनिया की रफ्तार ही आज पेट्रोल डीजल से चल रही है। पेट्रोल डीजल के बिल ही महंगे हो जाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो खाली होगा ही। दूसरा आता है गैस की कीमतें। गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और इसी के साथ कोयला महंगा हो रहा है, यूरेनियम महंगा हो रहा है, शिपिंग महंगी हो रही है। दुनिया में सभी चीजें महंगी हो गई हैं रशिया यूक्रेन की जंग के कारण। अब जो देश तेल बेचते हैं उनकी तो कमाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन जो देश तेल खरीदते हैं उनके खजाने खाली हो रहे हैं। श्रीलंका का बुरा हाल हो गया है, नेपाल का बुरा हाल हो गया है, पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है और भारत को भी अब हीट फेस ऑफ करनी पड़ रही है। दोस्तों इतना नुकसान तो COVID-19 ने भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नहीं किया था, और तो और कोविड के समय में हमारा रिजर्व बढ़ रहा था क्योंकि हमारे बिल नहीं बढ़ रहे थे, उस समय तेल भी सस्ता हो गया था। लेकिन COVID-19 ने जो नुकसान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नहीं किया वो नुकसान रशिया और यूक्रेन की जंग ने 50 दिनों के अंदर कर दिया है और पिछले 5 हफ्तों के अंदर 28.5 बिलियन डॉलर तक हमारा रिजर्व घट गया है। आप दोस्तों सारी बातों को छोड़ दो, रशिया यूक्रेन से जंग लड़ रहा है लेकिन फिर भी रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है और भारत को उसने इस हफ्ते फिर पछाड़ कर रख दिया है। रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.9 बिलियन डॉलर बढ़ा है क्योंकि ये दुनिया को तेल बेचता है, दूसरी तरफ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। अब दोस्तों आप हमें बताओ, जो देश जंग नहीं लड़ रहे हैं उनका रिजर्व घट रहा है और जो देश जंग लड़ रहा है उसका रिजर्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो तेल बेचता है और कमाइयां उसकी मालोमाल हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में अमेरिका यूरोपियन यूनियन को सोचना चाहिए कि तुमने दुनिया का क्या हाल कर दिया है।
भारत भी इससे परेशान है, एशिया के गरीब देश भी परेशान है और इस सिचुएशन में यूरोप की आम जनता भी परेशान है। लेकिन यूरोप की और अमेरिका की सरकारें परेशान नहीं है क्योंकि उनके हथियार बिकना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशंस के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? बहुत सीरियस इशू है कि लगातार 5 हफ्तों से हमारा रिजर्व घट रहा है।